Very good morning, children. Today we are going to start our exercise number 1.2. We have to complete it our exercise number 1.1. The question of first of exercise 1.1 is state whether the following statement are true or false. देखो, इसका basic funda मैंने आपका clear किया था, 1.2 का basic clear किया था. उस basic को हमने जब clear किया था तो आपको बहुत सारे type of numbers के बारे में आपको explain किया था. The first question of exercise 1.2 is every irrational number is a real number. देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि real number जो होता है वो pack of rational plus irrational number का pack होता है, ये बताया था मैंने आपको. अब ये कह रहा है कि जितने भी irrational number होते हैं क्या वो real होते हैं, तो real number कैसे होते हैं? Rational भी सारे real होते हैं और irrational भी. इसने कहा सारे irrational number real होते हैं, तो answer will be first question is yes. क्यों? क्योंकि अगर उसने कहा होता कि जितने भी रेशनल नंबर है वो रियल होते हैं तब भी आंसर यस होता, इरेशनल रियल होते हैं तब भी आंसर यस होगा, बिकॉज रियल नंबर इज द पैक ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर. तो फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू, द आंसर ऑफ फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू. ठीक है, सेकंड देखो, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन. आपको नंबर लाइन पता है, नंबर लाइन क्या होती है? ये होती है नंबर लाइन 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, -4, -5, है ना, ये होती है ना बेटा. यहाँ पर 4, यहाँ तो चलते हैं पॉजिटिव नंबर्स और यहाँ चलते हैं आपके नेगेटिव नंबर्स. आ रहा है आपको समझ में? अब इसने कहा कि जितने भी नंबर लाइन पे नंबर्स होते हैं क्या वो रूट सिस्टम वाले ही होते हैं, रूट्स वाले ही होते हैं. देखो, अगर ये रूट वाला भी है तो ये होल नंबर पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा. यही अगर यहाँ पर 25 होता रूट में तो इसका रियल नंबर क्या और होल नंबर क्या होता? 5. तो ये ऑप्शन क्या हो गया? रॉन्ग. क्योंकि जितने भी नंबर लाइन पे नंबर्स होते हैं वो रेशनल होते हैं और रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो नॉट नेसेसरी कि इरेशनल भी हो सकते हैं, लेकिन नॉट नेसेसरी कि वो ऑलवेज इरेशनल ही हो, रेशनल भी हो सकते हैं. किस तरह से? जैसे रूट 4 का आंसर होता है 2, इट इज अ होल नंबर, ऑल्सो इट इज अ रेशनल नंबर. तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, सेकेंड ऑप्शन इसका रॉन्ग होगा, सेकेंड क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो रॉन्ग होगा. थर्ड देखो, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर. देखो, फर्स्ट क्वेश्चन को ही उसने क्या किया है, कन्वर्ट करके आपको इस क्वेश्चन को दे दिया है. देखो, मैं अगेन इस क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करती हूँ. ठीक है, देखिए, इसने कहा कि एवरी रियल नंबर क्या है? रियल नंबर इज द पैक ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स का पैक होता है. क्वेश्चन देखो, अंडरस्टैंड करते हैं कि एवरी रियल नंबर, जो रियल नंबर है वो केवल इरेशनल ही होता है, रेशनल नहीं होता. तो ये ऑप्शन क्या हो गया आपका? फॉल्स. क्योंकि रियल नंबर रेशनल भी हो सकते हैं, रियल नंबर्स आर कैन बी रेशनल एंड इरेशनल, बट दिस क्वेश्चन डिमांड्स अस कि रियल नंबर इज बी ओनली इरेशनल, सो आंसर विल बी फॉल्स. ठीक है, हो गया क्लियर आपको? एक बार फिर आप बैक वाली वीडियो देखेंगे तो और भी अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने सारे नंबर्स उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए थे. ठीक है, देखो, अब जो क्वेश्चन है वो आपके लिए न्यू है. आपको इरेशनल नंबर्स को यानी रूट 2, रूट 3 एंड रूट 5 को नंबर लाइन पे शो करना है. इसको नंबर लाइन पे शो करने के लिए एक सिस्टम होता है, वो सिस्टम को मैं आपको बताती हूँ. अच्छी ब्लैक बोर्ड देखिए, रूट 2 पहले फॉर्म करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको इसके आप टुकड़े मतलब इसको ब्रेक डाउन करेंगे. रूट 2 के टुकड़े 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, आंसर आ गया आपका 2. अब देखो, आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अ नंबर लाइन. देखिए, ये नंबर लाइन आपने फॉर्म की, आपको पता है यहाँ 0 होता है उसके बाद 1 एंड 2. ठीक है, देखो, डिस्टेंस बिटवीन 0 to 1 and 1 to 2 विल बी इक्वल एंड लेट इट 1 सेंटीमीटर. आ गया समझ में? आपको डिस्टेंस थोड़ी बड़ी लेनी है 1 सेंटीमीटर से, लेकिन लेट क्या करना है,
इसको 1 सेंटीमीटर, इसको 2, और डिस्टेंस आप 3 का रख लो, मतलब 0 से 3 तक मेजर करके एक लाइन और फिर 3 to 6 तक मेजर करके एक लाइन। आ रहा है समझ में? डिस्टेंस आपको मेजर लेनी है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर अगर हम लेंथ करते हैं लेते हैं और उससे अगर आर्क वगैरह कट करते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। इसलिए मैंने क्या किया, डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा ले लिया, मेजर क्या किया है 0 से 3 तक, पर इसको लेंथ क्या किया है मैंने 1 सेंटीमीटर, फिर 3 to 6 डिस्टेंस पर इसको मैंने लेट किया क्या है 1 सेंटीमीटर। आ गया समझ में? और 0, 1, 2 आपको मेंशन कर दो। देखो अब इसका जो फर्स्ट टुकड़ा है वो अपना 1 सेंटीमीटर है, तो आपको 1 पर क्या करना है, फॉर्म अ एंगल ऑफ 90 डिग्री, आपको अपने कंपास को यहाँ रखना है और एक सेमी सर्कल फॉर्म करना है, ठीक है। फिर यहाँ से एक आर्क कट करना है, देखो इस तरह से एक आर्क आपको यहाँ से कट करना है, यहाँ से सेकेंड आर्क आपको यहाँ पे रख करके इस तरह से कट करना है। कर दिया आपने आर्क कट, फिर इन दोनों आर्क से ऊपर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर दिया, किस पर, 1 सेंटीमीटर वाले पॉइंट पर, ठीक है। अब उसके बाद आपको जो करना है वो देखो, अब आपको 0 से अपने कंपास को 0 से 1 तक ओपन करके यहाँ आर्क कट करना। आ रहा है समझ में? यहाँ कहाँ से, 1 से, यहाँ से 0 से 1 मैंने मेजर किया और यहाँ 1 सेंटीमीटर का आर्क कटा, यहाँ लिखो 1 सेंटीमीटर, नेमिंग कर दो ए, ठीक है। इस ए को आपको 0 से ज्वाइन कर देना है, 0 से ज्वाइन करने के बाद आपको क्या करना है, अपने कंपास को 0 से 1 तक ओपन करो और ओपन करने के बाद यहाँ से एक सेमी सर्कल, यहाँ से 0 से आपको एक सेमी सर्कल फॉर्म करना है, और ये सेमी सर्कल जहाँ पर नंबर लाइन को टच करेगा दैट इज कॉल्ड √2। आया समझ में? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, एक नंबर लाइन बनाई, 0 से 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया, बट मेजर इसको 1 सेंटीमीटर लेट किया, फिर 3 to 6 तक का डिस्टेंस लेकर के इसको भी 1 सेंटीमीटर लेट किया, फिर 1 पर 90 डिग्री का एंगल बनाया, फिर ये लाइन ड्रॉ की, लाइन ड्रॉ करने के बाद 1 सेंटीमीटर 0 से 1 तक कंपास को मेजर करके 1 पे रख के आर्क कट किया, उस आर्क को ए नेमिंग करके ए को 0 से मिला दिया, फिर 0 पे ए से 0 तक कंपास ओपन किया और 0 से इस सेमी सर्कल को फॉर्म किया। ये सेमी सर्कल इस नंबर लाइन को जिस जगह कट कर रही है दैट इज कॉल्ड √2, ये √2 है। आ गया समझ में? अब देखो मैं आपको √3 बता देती हूँ, ठीक है। देखो √3 में क्या करोगे आप, मेथड आपका सेम है, देखिए √3 के लिए आपको क्या करना है, टुकड़े करने हैं, क्या करोगे, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। इसके लिए भी सेम है, आपको करना है, देखो वही नंबर लाइन बनानी है, वैसे ही डिस्टेंस लेनी है 0, 1 एंड 2, ये डिस्टेंस इसके इक्वल होनी चाहिए, और उसको जितनी भी लो आप, 4 लो 3 लो 2 सेंटीमीटर लो जो, लेकिन लेट करना है आपको 1 सेंटीमीटर। फर्स्ट आपका ब्रेकडाउन जो आपने किया, फर्स्ट आपका नंबर क्या है 1, तो 1 पर आपको वही 90 डिग्री का एंगल, सबको आता है 90 डिग्री का एंगल, 1 पे रख करके आपने सेमी सर्कल बनाना है 60 डिग्री, 120 डिग्री और 90 डिग्री फॉर्म कर देना है। कर दिया 90 डिग्री, फिर इस 90 डिग्री वाली लाइन पर अपना सेकंड टुकड़ा जो देखो 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर 1 पर रख करके आपको फिर 1 सेंटीमीटर का आर्क कट करना है इस तरह से, इसको आपको 0 से मिलाना है, ये 1 सेंटीमीटर नेमिंग ए कर देंगे और 0 से, ये बन गया आपका √2, लेकिन हमको फॉर्म करना है √3। अब आपको देखो अब आगे जो करना है, अब इस पर ए पर आपको क्या करना है, ए की जो ये लाइन है ना इसको बेस लेट करना है, और ए से लेकर के यहाँ से देखो अपने कंपास को खोलना और ये सेमी सर्कल इस तरह से सेमी सर्कल बनाओगे, ठीक है, ये ऐसे सेमी सर्कल बनाए, बना दिया। उसके बाद यहाँ से 60 डिग्री, 120, ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करके इसको आपने ए से मिला देना, मिलाया ए से। अब ए से ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर फिर आपको 0 से 1 तक मेजर करके एक 1 सेंटीमीटर का आर्क कट करना है, कितने सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर का, इसका नेमिंग कर दो बी, ठीक है। इस बी को आपको मिलाना है 0 से, और 0 से मिलाने के बाद आपको 0 से बी तक इसको मेजर करना है, अपने कंपास को इतना ओपन करना है, ठीक है। इतना ओपन करने के बाद 0 से ही आपको सेमी सर्कल मेजर करना है, जो करीब करीब 2 के पास ही आना चाहिए, 2 के पास ही आएगा, ठीक है। ये है आपका √3। आ रहा है समझ में? हमने पहले किसका बनाया, √2 बनाया, ये तो हो गया आपका √2 और ये हो गया √3, और नंबर लाइन पे √3 ये रहा जो लगभग 2 के आसपास ही आएगा, ठीक है। इसी तरह से आपको √5 फॉर्म करनी है, वो भी मैं बता देती हूँ आपको, √5 क्योंकि नया टॉपिक है तो आप समझ नहीं पाएंगे, सो टेल यू √5। मैं कहीं भी
चलिए देखिए, ये रूट फाइव के मैंने ब्रेक डाउन किए हैं। रूट फाइव, टू का स्क्वायर कितना होता है? फोर प्लस वन का स्क्वायर वन, ये हो गया रूट फाइव। देखो इसमें पहला टुकड़ा क्या, टू। भाई देखो सेम एज नंबर लाइन बनाई मैंने, नंबर लाइन बनाई, उसके बाद देखो पहला टुकड़ा अपना टू है ना, तो देखो टू पर 90 डिग्री का एंगल बनाया है, दिख रहा है आपको? टू पर 90 डिग्री का एंगल बना दिया, ये रहा सेमी सर्कल, 60, 120 और 90। फिर देखो सेकंड टुकड़ा अपना 1 सेंटीमीटर है, इसलिए मैंने क्या किया, 1 का आर्क कट किया, इस आर्क को ए नेमिंग दे दी और ए को 0 से मिला करके देखो। अब मैंने क्या किया, अपनी कंपास को कितना ओपन करूंगी, 0 टू ए, 0 से ए तक ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद आपको इसके इक्वल ओपन करने के बाद सेमी सर्कल बनाना है। आप बनाइए सेमी सर्कल, ये हो गया आपका रूट फाइव है ना, और ये वाली लाइन जो है वो है रूट फाइव। तरह से इसको आप कंप्लीट करना, और नहीं अंडरस्टैंड कर पाओ तो एक बार बुक में देखना, फिर भी नहीं समझ पाओ तो कॉन्टेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू।